एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आप सभी कैसे हैं और आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। सो मैं और मेरी दी एंड मेरे सारे भाई लोग, हम लोग आए हैं दैनिक भास्कर का फन फेस्ट देखने। और हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके हैं क्योंकि हम लोग पहले गौरीघाट गए थे और वहीं से होते हुए आए हैं। और ये भवरतार गार्डन यानी बस स्टैंड के पास ही हो रहा है। और अगर आप जबलपुर से हैं तो ज़रूर आइए देखने। और ये अभी भी चल रहा है तो हम लोग तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आपको कला और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर खाने के लिए, जो खाने के बहुत शौकीन हैं, तो यहाँ पर फूड कल्चर भी बहुत अच्छे से बताया गया है। और तो अब चलते हैं अंदर और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कला और संस्कृति का अनूठा संगम देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए।
जाते मुझे यहाँ पर एक मंदिर का स्ट्रक्चर दिखा जो हूबहू राम मंदिर के जैसा है जो अयोध्या में बन रहा है राम मंदिर। मैं तो यहाँ मंदिर देख रही हूँ और सब लोग आगे निकल चुके हैं और मैं अकेली चल रही थी, तो अब मैं जल्दी इन्हीं लोगों के पास आ गई हूँ। और ये आदर्श, धीरेन्द्र भैया, विजेंद्र, अब मैं इन लोगों के साथ चलूँगी, नहीं तो मैं पीछे रह जाती हूँ। और अब हम लोग आगे जा रहे हैं जहाँ पर डांस हो रहा है और म्यूज़िक प्ले हो रहा था। बहुत ही शानदार डांस, आप भी जाए डांस के लिए, बहुत ही शानदार डांस। यहाँ आके देखा कि डांस नहीं हो रहा है और बस म्यूजिक प्ले हो रहा था। तो जब तक हम लोग चलते हैं चाय पीने, और भैया लोग पहले से पहुंच चुके थे और इन्होंने चाय पी चुकी थी, तो अब हम लोग पी रहे थे। और हम लोग पी रहे थे अमृत कुल की चाय जो कि बहुत टेस्टी होती है और इसकी चाय बहुत फेमस होती है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम पी रही थी और मैंने इससे पहले अमृत कुल की चाय नहीं पी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। मैं यहाँ चाय का वेट कर रही हूँ और चाय कब आएगी और मैं भी टेस्ट करूँगी। और ये चाय आ गई है, तो चाय का टेस्ट तो पीने के बाद पता चलेगा, पर इसका कलर देख के तो लग रहा है ये बहुत टेस्टी होगी। और वैसे भी चाय का तो कलर देख के ही हम बता सकते हैं कि चाय पीने में कैसी होगी कैसी नहीं। तो मैं पी रही हूँ और मैं भी आप लोग को बताती हूँ। चाय टेस्टी है, आप तो मेरे एक्सप्रेशन से समझ ही गए होंगे कि चाय कितनी टेस्टी लग रही थी। और मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी अमृत तुल की चाय, तो मैं आप सभी को बोलूँगी कि अगर आपको कहीं अमृत तुल की चाय मिल रही हो तो ज़रूर ट्राई करना एक बार। तो वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, पर मुझे ये चाय सच में बहुत अच्छी लगी थी। हम लोग ने चाय पी चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं डांस सीखने। तो मैं और आदर्श साथ में जा रहे हैं और आगे दी चल रही है। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी, वैसे रात काफ़ी होने लगी थी तो भीड़ भी कम ही हो रही थी, पर डांस स्टार्ट हुआ नहीं था। देख चुका है और डांस अभी बहुत अच्छा कर रहे थे और मेरा भी बहुत मन कर रहा था कि मैं भी थोड़ा डांस कर लूं, पर किसी ने स्टार्ट किया ही नहीं, तो मैं भी वापस आ गई हूं और वापस जा भी रही हूं। अगर कोई स्टार्ट करता तो मैं भी डांस कर लेती, मुझे डांस करना वैसे बहुत पसंद है, पर किसी ने शुरू ही नहीं किया था, सो सैड। कोई बात नहीं, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो अब मैं चल रही हूँ पेंटिंग्स देखने, और ये स्टेचू बने हैं जिनमें नाम नहीं लिखा था, तो मुझे नहीं पता ये किनका स्टेचू है। और वैसे भी ये मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ फन फेस्ट, फैमिली फन फेस्ट जो कि दैनिक भास्कर कराता है, और ये भी स्टेचू था। और ये पेंटिंग बहुत प्यारी थी और ये डॉग के साथ थी, और यहाँ पर भी भैया लोग देख रहे थे। ये सारी पेंटिंग इतनी खूबसूरत लग रही हैं और ये पेंटिंग इतनी सफाई से, और इन सभी पेंटिंग को ऑयल से बनाई गई हैं। और ये काफ़ी, इस पेंटिंग में बनारस दिखाया गया है, इतना खूबसूरत लग रहा है और सेम टू सेम बनारस जैसा ही है। तो
हम लोग ने सारा फन फेस्ट तो घूम लिया है जो कि लेट हो चुके थे और काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने नहीं देख पाई है। तो हम लोग नेक्स्ट डे ज़रूर आएंगे देखने और आप लोग भी आइएगा। और अगर आप जबलपुर से नहीं है, अदर सिटी से हैं, तो हर सिटी में फन फेस्ट तो लगते ही है, तो आप ज़रूर विजिट करिए वहाँ पर और आपको अपने कला और संस्कृति से रिलेटिव हर चीज़ देखने को मिलेगी और आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।